नमस्कार दोस्तों, अगर हम बात करें 25 अक्टूबर फ्राइडे को स्टॉक मार्केट काफ़ी बुरी तरीके से गिर गया नीचे। तो यहाँ पर ये कोविड के बाद लगभग पहले स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स नीचे गिरा, फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत रिकवर करके यहाँ पर 700-800 पॉइंट मार्केट लगभग नीचे गिर चुका है। पर इतना ही नहीं, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो अक्टूबर के महीने में लगभग निफ्टी 26,000 पे चल रहा था। अगर हम बात करें स्टार्टिंग के अक्टूबर पे, तो अब तक यहाँ पर 2,000 पॉइंट से भी ज़्यादा ये मार्केट गिर चुका है। निफ्टी 50 हमारी मोस्ट टॉप 50 कंपनी अगर हम बात करें उसका ये एक तरीके से इंडिकेट करता है निफ्टी 50। तो यहाँ पर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स काफ़ी ज़्यादा धराशायी हो गया है, नीचे गिर चुका है 2,000 पॉइंट से ज़्यादा। यहाँ पर मार्केट क्रैश हो गया है। तो कोविड के बाद का सबसे बड़ा क्रैश ये माना गया है। तो यहाँ पे हम रीज़न जानते हैं कि ये मार्केट क्रैश क्यों हुआ, इसके पीछे मार्केट क्रैश होने की क्या वजह है, और अब आगे आने वाले टाइम में मार्केट में क्या होगा, और यहाँ पर मार्केट और नीचे गिरेगा या फिर यहीं पर रुक जाएगा या फिर मार्केट बाउंस बैक करने वाला है। देखो, सबसे बड़ा रीज़न जो है मार्केट क्रैश होने का वो है FII के सेलिंग। अब यहाँ पर FII क्या होता है? FII वो इन्वेस्टर होते हैं जो बाहर देश के होते हैं, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, ये हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं। लाइक जो भी वो कंपनी हो सकती है, चाहे वो USA बेस्ड कंपनी हो, कोई भी फॉरेन से आके हमारे इंडिया में जो इन्वेस्ट करता है उन्हें हम FII कहते हैं, जो सेबी के रूल्स को फॉलो करती है और हमारे इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करती है। पर यहाँ पर अगर हम बात करें इस महीने की डेटा की, यहाँ पर FII ने पूरे 98,000 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग करी है शेयर्स की, और अगर हम बात करें कोविड की तो यहाँ पर कुल 58,000 करोड़ की कोविड में FII ने सेलिंग करी थी। तो अगर हम ये नंबर्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, और FII यहाँ से क्यों भाग रहा है, क्योंकि USA बेस्ड वहाँ पर बॉन्ड्स है, जो इंटरनेशनल या फिर चाइना में जो बॉन्ड्स मिल रहे हैं FII को, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर FII को ये लग रहा है कि यहाँ पर उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है इन्वेस्ट करके, क्योंकि वो अपना पैसा अब चाइना की मार्केट में या फिर USA के जो बॉन्ड्स है उसमें इन्वेस्ट करके वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रही है, जिससे हमारी जो मार्केट है वो नीचे गिर रही है। पर यहाँ पर ट्रेडर्स है जो वो टेक्निकल एनालिसिस करके गिरती हुई मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं, और अगर आप भी शेयर मार्केट से सीखना चाहते हो कि आपको गिरते हुए भी कैसे पैसा कमाए, आप मार्केट को ऊपर जाते हुए भी कैसा पैसा कमाए, तो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। इसके ऊपर भी मैं आपके लिए कुछ कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो शेयर मार्केट से जुड़े रहने के लिए और सीखने रहने के लिए, अगर आप अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो, ताकि आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, एक सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि आप यहाँ पर FII है जो वो भाग रहे हैं अपना पैसा लेके, जिससे मार्केट क्रैश हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो इजराइल और गाजा का जो वॉर हो रही है, जो फाइट हो रही है ग्लोबल मार्केट में, यहाँ पर ऑयल्स के प्राइस को लेके यहाँ पर इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण मार्केट यहाँ पे क्रैश हो रही है। इससे भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ता है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा रुक जाते हैं। अब यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को अगर हम देखें तो यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में क्वार्टर फाइनलाइज रिपोर्ट्स आती है, जो कि अभी के टाइम पे अक्टूबर के महीने में काफ़ी कमज़ोर रिपोर्ट आई है, और सबसे बड़ी जो कमज़ोर रिपोर्ट आई है वो आई है इंडस बैंक को लेके। यहाँ पर 20% की डीग्रोथ इस बैंक ने दी है, जिसके कारण यहाँ पर FII भी भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में उनको अच्छा खासा प्रॉफिट्स नहीं मिल रहा, और जितने भी इन्वेस्टर हैं वो भी डरे हुए हैं, और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो भी डरे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है, कुल अगर हम बात करें 40,00,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टरों को घाटा हुआ है। ये एक काफ़ी ज़्यादा बिग अमाउंट है, और बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डी ग्रोथ देखने को मिली है, इसी वजह से यहाँ पर मार्केट क्रैश हुआ है। पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम मार्केट को एनालाइज करें तो यहाँ पर कुछ सपोर्ट बना हुआ है, आपको चार्ट्स में दिख रहा होगा कि
अगर हम बात करें धीरे धीरे मार्केट गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर गिरता आ रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इस सपोर्ट को मार्केट नीचे करता है, तोड़ता है, तो मे भी ये है कि मार्केट में काफी अच्छा तगड़ा नीचे फॉल देखने को मिल सकता है, जिससे यहाँ पर ट्रेडर्स काफी ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं और गिरती हुई मार्केट में पुट में भी पैसा कमाने वाले हैं। तो अगर आप भी शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।